दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने खाकी पर दाग लगाने वाले कांस्टेबल सहदेव को महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में शामिल होने के चलते सस्पेंड कर दिया है। उस पर आरोप है कि वह साल 2020 से कई महीने तक बिना किसी सूचना के गायब रहा। उसकी लगातार महादेव ऐप के संचालकों से बातचीत होती थी और वह खुद भी इसमें शामिल था। इसकी जांच के लिए 2 आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया है। यदि सारे सबूत सही पाए गए तो सहदेव को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि दुर्ग में मार्च 2022 में महादेव आईडी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के शामिल होने की बातें सामने आई थी। इस पर तत्कालीन एसपी बीएन मीणा ने 10-15 आरक्षकों को लाइन अटैच भी किया था। एक्शन के बाद सारे आरक्षकों की फिर से पदस्थापना की गई। उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच की जा रही थी। इन कांस्टेबल में सहदेव, भीम और अर्जुन का नाम था। ये तीनों भाई थे। इनके कॉल डिटेल और सीडीआर खंगालने पर सहदेव की भूमिका संदिग्ध नजर आई। वो लगातार कई महीनों से ड्यूटी से गायब था। साथ ही साथ वो लगातार महादेव ऐप से जुड़े लोगों से बात किया करता रहा था और साथ ही कई राज्यों में इसकी मौजूदगी भी दर्ज की गई थी। इस मामले की जांच दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर और छावनी सीएसपी प्रभात कुमार को सौंपी गई। पुलिस ने सहदेव के मूवमेंट्स को पिछले 3 महीने से वॉच किया था और सटोरियों के साथ उसके कॉन्टेक्ट होने की बात के प्रमाण मिलने के बाद उसे सस्पेंड किया गया है। उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी, 2-2 डिपार्टमेंट इंक्वायरी स्टार्ट की गई है। साक्ष्य के आधार पे, उसके लोकेशंस के आधार पे, मूवमेंट्स के आधार पे, जो लोग महादेव ऐप पहले पकड़े गए हैं उनके पूछताछ इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स के आधार पे उनके खिलाफ सख्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि पुलिस जांच में पता चला कि सहदेव महादेव सट्टा चलाने वाले दुबई में बैठे सन्नी सतनाम से लगातार बात किया करता था। सीडीआर डिटेल में इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, सहदेव बिना बताए नदारद है और इस दौरान उसका लोकेशन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बताया गया है जहां महादेव ऐप का संचालन किया जा रहा है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सहदेव को सस्पेंड कर मामले की जांच दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर और छावनी सीएसपी प्रभात कुमार को सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।